गढ़वा जिला को भले पिछड़ा कहा जाता हो, लेकिन यहां भी कम विभूति नहीं है। कभी कभी ऐसे लोगों से मुलाकात हो जाती है जो निश्चित रूप से वह क्षण गौरवान्वित होता है। एक छोटा सा गांव है अपने गढ़वा जिले में, मिराल प्रखंड क्षेत्र का बंका गांव। उस गांव में एक बच्चे का जन्म होता है। जब हम आपको उनसे मिलाएंगे, जब उनसे आपकी तारुफ कराएंगे, जब देखेंगे, तभी तो आप समझ जाएंगे क्यों उनका नाम ऐसा पड़ा। बचपन में माँ बाप द्वारा जब उनके चेहरे को देखा गया था, नाम भोला रखा गया। सही बात, बिल्कुल भोला है। उनकी पढ़ाई शुरू होती है, प्रारंभिक पढ़ाई गांव से होती है, वो आगे पढ़ने फिर बाहर जाते हैं, पढ़ाई पूरी होती है। और उस वक्त में आप बेशक समझ सकते हैं, जहां पर पढ़ पाना बेहद मुश्किल होता था, स्कूल नहीं थे, कॉलेजेस नहीं थे, ऐसे में उनके द्वारा ख्वाब देखा गया डॉक्टर बनने का। पढ़ाई पूरी हुई, जिद थी उनकी, क्योंकि उन्होंने देखा था अपने बचपन में, अपने युवावस्था में, किस तरह इलाज बिना लोगों की मौत हो जाया करती है, मातुल इलाज नहीं मिल पाता है। यह कसक उनके दिल में घर कर गई थी। तभी उनके द्वारा सोचा गया था कि हम डॉक्टर बनेंगे ताकि लोगों को इलाज मेरे द्वारा उपलब्ध हो सके, लोगों की जिंदगी महफूज रह सके। हम बात भोला कश्यप की कर रहे हैं, अब तो आप निश्चित रूप से जान गए होंगे, अपने गढ़वा जिले के उसी बंका गांव के रहने वाले भोला कश्यप। पहले अपने आप जब डॉक्टर बनते हैं तो पदस्थापित होते हैं, उसके बाद और उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए, साथ ही साथ सेवा देने के लिए ये अमेरिका भी जाते हैं। हम खुद से ज्यादा नहीं कहेंगे, सीधे रूप से आपको बुलाते हैं, भोला कश्यप जी से, सर क्या हमने गलत कहा कि आपने उस दौर को देखा कि कैसे लोगों को इलाज नहीं मिल पाती थी, लोगों को इलाज बिना मौत हो जाया करता था, इलाज से ज्यादा होता है सलाह, सलाह तो इलाज तो दो लोगों को सलाह भी उचित नहीं मिलता था। तब आपने सपना देखा था कि हम डॉक्टर बनेंगे, और उस सपना को आपने सच भी किया। आपने कैसे, कितना संघर्ष रहा बड़ा जीवन था तब? आपने सही कहा। देखिए, हमने भी अपना संघर्ष जीवन के अनुसार इस आगे पहुंचा हो, और मेरा बहुत पहले से सोच रहा है कि गढ़वा के लोगों का सेवा करते रहे। इसीलिए मैंने जहां भी रहा, ग्रेजुएट करने के बाद, डॉक्टर होने के बाद, पहला मेरा सिविल असिस्टेंट सर्जन के रूप में गिरिडीह हॉस्पिटल में पोस्टिंग हुआ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। उसके बाद मैंने ट्रांसफर कराया मिराल ब्लॉक में। उसके बाद वहाँ बहुत सा ब्लाइंड रिलीफ वगैरह किया, चतुर भाई पटेल चैरिटेबल आई हॉस्पिटल शुरू कराया। फिर यहाँ के डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन ने मेरे को डिप्यूट कर दिया गढ़वा सब डिविजनल हॉस्पिटल। मैंने यहाँ पर आई क्लिनिक शुरू किया, फर्स्ट ब्लाइंड रिलीफ शुरू किया। अभी भी मेरी भावना है कि गढ़वा में चैरिटेबल हॉस्पिटल की सख्त जरूरत है। मेरा एक भविष्य सपना है, शायद ईश्वर की कृपा होगी तो जरूर पूरा होगा। मैं यहाँ आया हूँ अपने पर्सनल निजी मिलने जुलने, या इस बीच में हम चाहते हैं कि कुछ लोग का सेवा कुछ निमित्त मूल्य पर उनका करे, उनको उचित राय दे, और जो हमसे बन सकता है सेवा करे। लेकिन मेरी अवस्था वो पहले युवा अवस्था में ही, मैं 10 लोगों को प्रतिदिन अपॉइंटमेंट द्वारा सेवा कर सकता हूँ, और मेरे लिए कोई छोटा बड़ा कोई भी हो उसकी सेवा कर सकते हैं। और मैं अमेरिका में लगभग पूरे मेडिकल प्रैक्टिस में 48 साल का मेरा अनुभव है, एंड अमेरिका में 45 इयर्स का। उस बेसिस पर हम उचित राय देंगे, और वहाँ पर बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशन है, आज के टेक्नोलॉजी में जरूरत पड़ा तो हम जूम से कंसल्टेशन भी करवा सकते हैं, जो कि वर्ल्ड का टॉप नॉच हॉस्पिटल है, और वहां पर लोगों की सुविधा दी जा सकती है जो कि असाध्य बीमारियों का, आंख का हुआ या किसी तरह का,
जो भी मेरे दायरे के लिमिट है मैं कर सकता हूँ। लेकिन सर आप नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं सर, आप यहाँ भी अपने देश में भी रहे, छोटे से जगह से लेकर बड़े जगह तक रहे अस्पतालों में, आप विदेश में भी रहे अमेरिका में भी, लोगों की सोच हम लोग यही रहती है कि उम्र हो जाएगा जब 40 के पार पहुंचेंगे तो आंख से दिखना थोड़ा सा कम होगा, आंख में बीमारी हो जाएगी, क्या यही स्वाभाविक है कि और कुछ होता है जिसके चलते आंख खराबी, आंख खराबी होने का कारण क्या होता है? यहाँ के नस्पत वहां दोनों का, यहाँ पर देखिए सन का इफेक्ट है, क्योंकि वी आर क्लोज टू द सन, सो सन रेज के गामा रेज के अनुसार आंखों पर ज्यादा ये होता है, इसलिए यहाँ कम उम्र में कुछ लोग को मोतियाबिंद हो जाती है, कुछ लोग को रतौंधी हो जाती है, उसका भी एक नया साइंटिफिक उपचार निकला है जिसके बारे में हम लोग को शायद काफी जानकारी यहाँ के अच्छे अच्छे आई डॉक्टरों को भी जानकारी उसकी नहीं है, अभी नया रिसर्च इट इज इन प्रोग्रेस। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग, आई डोंट सी दैट आई नो एवरीथिंग, बट वॉट एवर आई नो आई एम रेडी टू गिव माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरा सॉरी आई मीन स्पीकिंग इन इंग्लिश, बट मेरा जो अनुभव है लोगों के बीच उनको देना चाहते हैं, जैसे भी हो जो सर्जन चाहे हमसे अपॉइंटमेंट लेकर के हमको उचित राय दे सकते हैं, और यहाँ पर इमरजेंसी और मेजर सर्जरी की सुविधा नहीं है, लेकिन यहाँ पर अनावश्यक जांच पड़ताल या लोगों को पैसा के रूप में स्पेंड करते हैं, आपको हजारों की बचत हो सकती है। मैं नहीं दावा करता हूं, लेकिन मेरे विचार के आधार पर आप न्यूनतम खर्च में अपना स्वस्थ रह सकते हैं और बीमारी का इलाज करवा सकते हैं। That much I want to say and I don't want to elaborate too much, but thanks for the media coming to take the information from me. Thank you, sir. सबसे जरूरी होता है इलाज में, हम आप जब भी किसी तरह के बीमारी से ग्रस्त होते हैं तो सीधे इलाज करने पहुंच जाते हैं डॉक्टर पास। अब आप भी वाकिफ है कि डॉक्टर भी बिना कुछ बात सुने सीधे जांच और सीधे इलाज, जबकि सबसे ज्यादा जरूरी होता है किसी इलाज में सलाह की। अगर सलाहियत सही हो तो निश्चित रूप से मर्ज भी ठीक हो जाता है। तो आपने सुना कि डॉक्टर साहब अमेरिका से लौट आए हैं, अपने कुछ निजी काम से गढ़वा आए हैं, इलाज से ज्यादा सलाह एक बार फिर से कहेंगे, डॉक्टर साहब समय देना चाह रहे हैं, यहाँ पर अभी जितने दिनों तक है यहाँ आप प्रतिरोध 10 से ज्यादा उम्र भी चौथे कोने पहुंच चुका है, रोज 10 मरीज देखेंगे और उचित सलाह, नेत्र रोग से ज्यादा हम आप पीड़ित है, जरूरी है इसका इलाज हो पाना, इसलिए आप यहाँ पर निश्चित रूप से पहुंचेंगे और डॉक्टर साहब से उचित सलाह लेंगे, उसके बाद आपका इलाज संभव होगा और आपकी मर्ज ठीक होगी। धन्यवाद।